डाइट शायद कुछ नहीं, बैगन का डाइट। क्या ला दिया तुम? सीन ऐसा है, हम लोग पानी पूरी का कंपटीशन कर रहे हैं। तुम तो गया, देर में बता दूंगा तुम गए। पापा की परी। रगड़ा रगड़ा मियां बीवी का झगड़ा। वाह 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 वाह। व्हाट्स अप पब्लिक, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यारो आप लोग देख रहे होंगे कहाँ आउटडोर निकल गया इन्हें ब्लॉग करने। यारो स्पेशल वीडियो है यारो, ये चैलेंजिंग है, थोड़ी एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं मुंबई को। तो बेसिकली आज अपन ट्राई करने वाले यारो मुंबई का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड यारो। तो इसमें अपने को हेल्प होना अपने कोई मुंबई में रहने वाले, काशवी जी हमारे को मिलने वाली यारो, इस शूट में हमारे को हेल्प करने वाले। अभी हम लोग आए हुए यारो सांता क्रूज के पास, इन्हें अपने को सांता क्रूज बुलाई। लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने वाले, ताकि जरा मज़ा भी आए, बहुत टाइम हो गया लोकल ट्रेन में ट्रैवल करके। तो उन्हें सांता क्रूज स्टेशन पे मिलने वाली है मेरे को, हम लोग सीधा वहाँ जाएंगे। आज के वीडियो की, आज के ब्लॉग की शुरुआत करेंगे। एक्सप्लोर ब्लॉग रहने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। थोड़े चैलेंजेस रहेंगे इसके बीच में, खाने के बीच में। तो मैं थोड़ा सोच के रखा उसके साथ चैलेंज वैलेंज करूँ जरा खाने वाने को लेकर। अगर हारी तो कुछ तो भयंकर करा देंगे उसको। तो मज़ा आने वाला है यार, बस लाइक मार दो फटाफट अभी इस वीडियो पे, एंड तक जरूर देखना। बहुत सारे ट्विस्ट भी है, खाना भी ट्राई करेंगे, मैं जरा फूडी है तो पूरा खाली पेट निकला है यार, दबा के डालने का है मेरे को खाना। निकलते सीधा टिकट लेते, सांता क्रूज से किधर जाने वाले वो पूरा काशी बताने वाली है। आज अपन उसके पीछे 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 भागने वाले, तो मज़ा आने वाला, लेट्स गो। हमारी मुंबई की एक छोकरी है एसएड्यूएल में, तो वो अपने को हेल्प करने वाली है। आए काशवी, आए, फैंस मिल रहे हैं भाई, मुंबई की छोकरी है भाई। तो काशवी अपने को हेल्प करने वाली है यार आज स्ट्रीट फूड खिलाने के लिए। तुम कुछ लेके जाने वाले मेरे को अच्छी जगह, पता है ना तुमको? पहली बात ये बताओ, देखो मुंबई का ना स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा है, तुमको पता है क्या? गए हो तुम, खाए हो? मैं यहीं से तो हूँ, लोगों को लगता है बहुत लोग होते हैं यहीं से होके भी नहीं खाते, बाहर नहीं जाते। मेरे बारे में ऐसा कि मैं मतलब कुछ नहीं जानती हूँ, कि मैं थोड़ी आज ये गलत प्रूफ करेंगी काशी अपने को, लोकल फूड एकदम खिलाएंगे अपने को जबरदस्त पक्का। तो फिर सांता क्रूज स्टेशन क्यों आए, कहाँ जा रहे हैं अपन? हम सांता क्रूज स्टेशन आए क्योंकि मेरे घर के पास है। अच्छा ठीक है, यहाँ से कहीं जा रहे हैं अपन? हाँ, तो एक्चुअली मैं चाहती थी कि आप दो अलग ट्रेन में बैठो, ओके, और देखो कि ट्रेन का एक्सपीरियंस कैसा है। लोकल ट्रेन इज वन ऑफ द मेन मुंबई एक्सपीरियंस, ओके, तो वो आपको एक्सपीरियंस। चलो आओ, चालू करते यारो, यहाँ से इन्हें कहाँ तो भी लेके जाएंगे। कुछ खिलाना, मैं कुछ खा के नहीं आऊँ, मैं स्पेशली कुछ नहीं खाया आज। लेकिन आपका वो डाइट शायद कुछ नहीं, बैगन का डाइट, कुछ डाइट वाइट घंटा कुछ डाइट नहीं है, बस खाओ एंजॉय करो आज पूरा पूरा चीट डे। तुमको भी खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, तुम्हारा भी चीट डे है। हाँ डन, चलो चालू करते, निकलते हैं यहाँ से, कहाँ तो भी पता नहीं कहाँ जा रहे। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। तो काशवी मेरे लिए, जैसा मैं हैदराबाद से हूँ, मैं साउथ इंडिया से हूँ, तो आई कैन सर्वाइव, वैसा मैं डोसा इडली पे मैं सर्वाइव कर सकता हूँ जिंदगी भर के लिए। हाँ मतलब मेरे को सुबह रात कभी भी उठा के डोसा खिला दो इडली खिला दो, मेरा पेट भर जाएगा और मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। तो तुम मुंबई से हो, मुंबई वालों का ऐसा कह रहा था जो चीज़ जिस पर तुम सर्वाइव कर सकते हो, पर्टिकुलर कोई फूड ऐसा? मेरे लिए डोसा है, डोसा इडली वड़ा जो भी मिल जाए मेरे को, मैं ज़िंदगी निकाल लूँ उस पर। एक ही आइटम है तुमको चूज करना है, दाल चावल तो सभी खाते हैं, एक आइटम चूज करना है तुम्हें मुंबई की। जैसा साउथ में हैदराबाद में डोसा इडली फेमस है, पाव भाजी में भी, पाव भाजी में पूरा लाइफ, इतना बटर इतना तेल, तो हाँ पाव भाजी, मुंबई वाले पाव भाजी पे जिंदा है, हम डोसे पे जिंदा है। आज पाव भाजी खा रहे कि नहीं खा रहे? चाट पर चाट मतलब डेली हर मील के लिए नहीं खा, नहीं खा सकते। और क्या है, वड़ा पाव भी मतलब मेरे को एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट किया था वड़ा पाव, हां लेकिन ना उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे ना, पेट नहीं भरेगा, ज्यादा खाना पड़ेगा। पाव भाजी में वेजिटेबल रहते सारे, ये डाइट वाली लड़की है भाई, डाइट का ध्यान रखती है, वेजिटेबल सही है इनको। आज पाव भाजी तो खाना है, वड़ा पाव खाना है, पानी पूरी खाना है, और जो भी फेमस है खिलाना है। एक चैलेंज है पानी पूरी के पास, ट्विस्ट है थोड़ा सा, वो बहुत मजा आएगा। अगर मैडम फेल हो गए ना, इनको बहुत भयंकर चीज करना पड़ेगा। रेडी? और अगर आप फेल हुए? जो बोले वो करूंगा, जो बोले वो, पब्लिक में हुआ वीडियो आपका है, हाँ देर वेर आप करें। अरे यार ऐसा थोड़ी होता, मैं तुमको आराम से छोटा डेर दूंगा, बट अगर मैं हार गया तो हम दोनों के ऊपर नहीं रहेगा। तो बेसिकली जब जाएंगे वहाँ पे तब मैं तुम्हारे को बता दूँ चैलेंज क्या रहने वाला है। तो हार गया तो तुम जो बोले वो करो। अच्छा, जो जो बोले वो, जो
सोच रहे हो तुमको जो डेर दिमाग में तुम्हारे लाना, तुम आप तो गए, ये बोल के आप गए। देखेंगे भाई वो हार रहा कौन वो देखेंगे। अभी एसी की ट्रेन में मस्त चिल करते हुए जा रहे आ रहे हो चर्च गेट के रास्ते पे, पहुंचते खाएंगे चाट वाट, भूख लग रही दबा के। लियो चेंज ऑफ प्लान गाइस, हम लोग जा रहे थे चाट खाने बट काशवी ने सडन बोला कि इसको पाव भाजी खाना है, कहां तो भी लेके आइए। ये कहां पे है अपन? ये साउथ बॉम्बे का बहुत ही फेमस पाव भाजी का जगह है, मनोहर पाव भाजी बोल के आ रहा हूं। यहां पे हम लोग पाव भाजी टेस्ट करने वाले, खा के देखेंगे कैसा है। भूख तो दबा के लग रही, आपको अच्छी लगती है क्या पाव भाजी? मेरे को पसंद है पाव भाजी, अभी और अच्छी लगेगी यहां का। ऐसा है क्या? अच्छा ट्राई करते, आ जाओ। लाल लाल एकदम मसालेदार, तुमको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? अच्छा स्नैक भाई, मेरा बताएं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपको। बताएं आपको क्या लगता है इसमें क्या डलता है? इसमें भाजी होती है। हाँ, ये पाव है। अच्छा, भाजी मतलब वेजिटेबल, ये वो स्मैश करते हैं ना सारे। हाँ, टमाटर हो गया। हाँ, प्याज हो गया, शिमला मिर्च हो गया। बहुत लोग हमारे यहाँ पे ना पाव भाजी में बटाने डालते हैं, आलू स्मैश करते हैं सबसे पहले, तो आलू हो गया, जो भी वेजिटेबल्स है स्मैश करके उसका भाजी बनाते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसी भाजी नहीं रहती, हमारे यहाँ पे बटानों की रहती है। हैदराबाद वाले जो रहते हैं उनको मालूम रहेगा यार, ये देखने में तो बहुत ज़्यादा मतलब, तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बटर वटर डाले से, मसाला वसाला डाले से। फूड रिव्यू देंगे आज अपन, आप भी खाएं। मतलब अगर गेमिंग में नहीं चला तो कहीं ना कहीं चल जाए। तो रिव्यू दो, टेस्ट कर, तुम बता दूंगी आज तक यहाँ का नहीं गए, बताओ आज तक यहाँ का नहीं। खा के देखो, ये मुंबई की देखे, मैं इसको खिला रहा हूँ यार, ये मुंबई की छोकरी, मैं इसको साउथ बॉम्बे की इसको पाव भाजी खिला रहा हूँ यार, उसको मालूम भी नहीं यार। हाँ ये खाओ, टेस्ट करके देखो क्या? है बे है, है कुछ तो है, लजीट अच्छा है, लजीट टेस्टी है, भाजी बवाल है। ये क्या ला दिए तुम? मसाला पाव मतलब मैं शॉर्ट पीसेस में होता है ना मसाला पाव, वैसा वाला एक्सपेक्ट किया था, तो भाजी डाल के दे दिए। है बवाल है भाई, देखो ना वहाँ की गिरी। क्या तुम्हारा हो गया? वाह रिव्यू ऐसा है यार, हो भाजी अच्छी थी, पाव ज़रा डेंजर था है ना, ज़्यादा बटर नहीं डाला, ठीक है अच्छा था, मतलब बेसिकली अच्छा था। हमारे यहाँ पे यार बटाने वाली पाव भाजी मिलती, ये भाजी वाली थी, भाजी कसम से अच्छी थी, जेन्युइनली अच्छी थी, बट जो मसाला पाव इसको बोला यार वो तो आइटम बना के दे दिया कुछ। आप बोल रहे हो कि हैदराबाद की भाजी यहाँ की भाजी से बेटर है? ऑब्वियसली। अरे तू जा रही? मेरे को यार आदत है वहाँ की वो बटाने वाली भाजी की, अच्छा था यार, अच्छा था, नॉट बैड। अच्छा, बटाना मतलब मटर, मटर वाली भाजी। यहाँ पर भी मिलता है, उसको बोलते हैं खड़ा पाव भाजी। खड़ा पाव भाजी बेसिकली वहाँ पे वही मिलती है। वो बोलते हैं आप, मुझे आई डोंट नो व्हाट। अच्छा है ना, कुछ नया ट्राई किया मैंने, मेरे को अच्छा लगा। चिक पील्स मेरे को नहीं पता क्या होता है, छोले ना ना ना, वो नहीं वो नहीं, मटर टाइप, मटर बोलते तो बस खड़ा पाव भाजी, वो तो मिलती है इधर भी, वही वैसे ही अच्छा था। बट इनका जो मसाला पाव था वो बहुत डेंजर था भाई, हमारे यहाँ पे मसाला पाव मुंबई में हो और आपको वैसा चाहिए ना, बोलो कहीं भी बोलो खड़ा पाव भाजी, तुमको पता ही है जगह कहाँ मिलती है खड़ा पाव भाजी। सब यहाँ भी मिलती है? हाँ या ऑफ कोर्स, सब जगह मिलती है, जहाँ पाव भाजी मिलता है वैसा भी मिलता है, अलग अलग दोनों टाइप की। ये कुछ नया सुनने मिला। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चर्च गेट चाट वाट खाने, पानीपुरी का खाएंगे, बेलपुरी खाएंगे, चाट जो भी फेमस है वहाँ पे खाएंगे। तो तुम तो कुछ खा रहे नहीं यार, तुम तो ऐसा टच कर रहे हो बस। क्या खा रहे हो? ये मोहम्मद अली रोड के लिए पूरा बचा के रखिए, वहाँ पे खाइए, वहाँ जगह बड़ा है, मतलब आपके पेट में मेरा ज़्यादा कम है, अच्छा ठीक है, बल्किंग में मैं कुछ भी खा सकता हूँ वैसे। हम लोग यहाँ पे चौपाटी आए हुए, कौन सा चौपाटी है? गिरगांव चौपाटी, गिरगांव। तो यार यहाँ पे हम लोग गोला खाने आए और चाट खाने आए थे। एक्चुअली हम लोग गए थे चर्च गेट के पास, बट वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से सारा कुछ बंद था, तो इधर भी बहुत फेमस है। मैडम लेके आए हम आपको, देखेंगे। हैदराबाद में आपको बीच नहीं है ना? नहीं है, नहीं है ना। हाँ ठीक है ना, मुंबई में बीच है, ठीक है, अच्छी जगह है, खाने वाने का अच्छा है, सही है यार। यहाँ पे जरा ठंडा भी है, वरना वहाँ पे बहुत गर्मी था, वहाँ अभी चाट बहुत गर्म है मुंबई। बोलना चाट और गोला खा के ये मत बोलना कि वो हैदराबाद में बेटर मिलता है, ये सब तो ऑब्वियसली हैदराबाद में सब चीज़ बेटर मिलता है,
100% मिलेगा, टेस्ट करके देखेंगे क्या पता अच्छा मिले भाई, कोई बोल नहीं सकते, ट्राई करके देखेंगे। एक्सप्लोर करने आया मैं, मुंबई एक्सप्लोर करने आया यार। मतलब जो अब मैं, तुम हैदराबाद में जाओगे, तुमको हैदराबाद का खाना पसंद आया तो मुंबई को मिस करोगे ना? नहीं तो वहाँ वहाँ का खाना पसंद आ गया तो कर, हाँ, मतलब वैसे जो खून में है वो तो रहेगा ही ना यार। हाँ, बात तो सही, जहाँ पैदा हुए अपन वहाँ का खून तो रहेगा ना। अभी चाट वाट खाते एंड गोला वोला देखते खाते यार, ज़रा ठंडा अंदर जरूरी है जाना। आ जाओ भाई, क्या फेमस है चाट में, सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? भेलपुरी, सेवपुरी, दहीपुरी। क्या खाओगे तुम? पानीपुरी। इनके लिए एक सेवपुरी दो, तुम क्या खाओगे? पानीपुरी। तो अपन एंड में कॉम्पिटिशन मारेंगे, उसका एक ट्विस्ट है मैं बताता हूँ। पहले चाट खाते तो भेलपुरी, सेवपुरी और क्या बोले, चार आइटम मारेंगे यार। देखेंगे पानीपुरी का ट्विस्ट अभी तुमको बता देता हूँ। काश्मीर सीन ऐसा है, अपन तो खाएंगे ही ऑब्वियसली, बट ट्विस्ट ऐसा है, तुम्हार को किसी भी एक स्ट्रेंजर को पकड़ना है, ठीक है, यहाँ पे जो तुमको लगे कि हाँ ये खा सकता है। मैं भी एक स्ट्रेंजर को पकड़ के लेके आऊँगा जो लगता है मेरे को लगेगा कि वो खा सकता है, क्योंकि आपस में अपन कॉम्पिटिशन करेंगे पानीपुरी का। कुछ 50 पानीपुरी खान दो, जितने खाना है खान दो। तो तुमको सोच समझ के तुम्हारा जो भी है कॉम्पिटिटर तुमको उठा के लेके आना है। मैं मेरा सोच समझ के लेके आऊँगा, जो जीता वो विनर। एंड उसके बाद फॉर एन एग्जाम्पल तुम हारे तो मैं तुमको कुछ देर दूंगा जो तुमको करना पड़ेगा। मैं हारा तो तुमको मेरे को देर देना। उसके बाद अपन सुकून से खाएंगे, खुद भी खाएंगे पानीपुरी, बट ये चैलेंज है तो अच्छे से स्काउटिंग करें, अच्छे से देखो किसको तुमको पिक करना है। मैं भी ये खाते खाते मैं देख रहा हूँ किसको पिक करूँ किसको नहीं, तो रेडी रहे। ये ट्विस्ट है पानीपुरी, देर है, देर है, देर का तुमको दिमाग में रहना। मैं काश मुंबई घुमाओ, कहाँ यहाँ से यहाँ पर क्या मुंबई, इसको मुंबई के बारे खाने के बारे कुछ नहीं पता, ये सिर्फ 5-star होटल वाली है भाई। अभी इसको बोलूँगा ताज में सबसे फेमस क्या मिलता है, या कोई भी कौन सा रेस्टोरेंट था वो मरीन ड्राइव के पास, पिज्ज़ा बर्गर, पिज्ज़ा बाय द वे, ठीक है, इसको ये सब जगह मालूम है। बट आज तुमको अगर ये वीडियो अच्छा किया है, फिर एक पार्ट टू करेंगे जिसमें सारे 5-star में लेके जाएंगे। हाँ, अगर तुमको ये पसंद आया तो ज़रूर पार्ट टू में 5-star में लेके जाएगी मेरे को, वहाँ पर खिलाएगी। अभी आप स्काउटिंग करें, देखें कौन से आप पर्सन को पिक करना चाहेंगे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा खाए, ढूंढे। खैर मैं स्काउटिंग कर रहा हूँ, पानीपुरी का सीन है तो मैं सोच रहा हूँ किसी आंटी को पकड़ लूँ, आंटी लोग ज़्यादा पानीपुरी खाते, लड़कों से ज़्यादा आंटियाँ खाती हैं, यहाँ पे 2-3 है लेडीज़ बैठे हुए हैं, तो उनको धीरे से जाके पूछूंगा कि आप खाएंगे पानीपुरी, फ्री में खिला रहा हूँ, बट आपको कॉम्पिटिशन है किसी के अगेंस्ट। आंटी लोग को बोलना ही सही रहेगा ना, खाते ना वो लोग, भैया 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 बोल के खा जाते, ढूंढते ढूंढते भाई बड़ा। और एक और एक चम्मच दे दो, चम्मच दे, उड़ा उड़ा चम्मच। तो मेरा क्या था, ये दही बड़ा, दही बड़ा तो बहुत खाया भाई, दही का तो बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, मतलब दही बहुत ज़्यादा खाता हूँ। तुमको पसंद है दही? पसंद, दिमाग का भी दही करते हो? अरे यार ऐसा, मैं किसी का दिमाग का दही नहीं करता। क्या है यार, तुम्हारा फेवरेट बवाल है भाई। तो मैं निकला यार स्काउटिंग के लिए, मेरे को ढूंढना पड़ेगा कोई भयंकर खाने वाला, कंपटीशन है यार, वरना ये कुछ भयंकर डेट दे देगी, लफड़ा हो जाएगा। धीरज भाई तुम भी हेल्प करो मेरी, पूछ लो सामने यार, मुझे 3 लड़के खा चुके ऑलरेडी, तो जगह ज्यादा होगी। नहीं खाए वाला ढूंढना है भाई, कहाँ से ढूंढूं? आंटी को पूछने का मन कर रहा है, बट वो लोग चिल कर रहे हैं यार, उनको परेशान नहीं करना। पूछते आ जाते, पूछते खा रहे हैं वे लोग ऑलरेडी। हाँ पूछ लेते आ जाओ। हाँ ऑन रखो, ऑन रखो, पूछ लेते हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? तो बेसिकली मैं और मेरे एक फ्रेंड है, तो हम लोग स्ट्रेंजर्स को ढूंढ रहे खुद की टीम में लेने के लिए। तो हम सीन ऐसा है, हम लोग पानीपुरी का कंपटीशन कर रहे हैं वहाँ पे, तो मेरी टीम से कोई भी आप में से कोई आना चाहेगा? आप खा के तो नहीं हो ना, क्यों? तो कंपटीशन होगा, वो भी किसी एक को लेके आएगी, मतलब लेके आएगा या लेके आएगी, जिसको भी लेके आएगी उसके साथ आपका कंपटीशन होगा। तो आप मेरी टीम से कह रहे हो तो आप खाएंगे? हाँ। पक्का? श्योर? दबा के आ जाओ, अपने को अपना मिल गया। क्या नाम है आपका? शीरो। शीरो, शीरो जी मिला हमको, हमारे टीम मेंबर। अब उसको उसका टीम मेंबर ढूंढना है, देखते कौन जीतता। आ जाओ। एक ऐसे जन को चुनूंगी मैं जिनमें बहुत ऐसा कैपेसिटी दिख रहा है खाने का। दिस गाय हाँ, एक्सक्यूज मी, ऐसा स्टार्ट में जाऊंगी ना,
देखो उस तरफ जो लोग हैं ना वो खा चुके हैं, ऐसा उधर जाओगे ना वो लोग को लगी है भूख। आई कैन सेंस इट। मतलब पानी पूरी अच्छा लगता है क्या आपको? नहीं, नहीं अच्छा लगता है। एक कॉम्पिटिशन है पानी पूरी खाने का, आप खाओगे क्या? नहीं। पानी पूरी खाने का हाँ खाओगे आप? एक एक लड़की के अगेंस्ट है, मतलब आप ज़्यादा खा सकते हो या एक लड़की करोगे आप? खाओगे आप? पैसा भी देना हाँ। नहीं पैसा नहीं मिलेगा लेकिन मुफ्त का पानी पूरी मिलेगा। खाओगे? आओ मेरे साथ। तो आपका नाम क्या है? आपका नाम लकी शर्मा। लकी शर्मा, तो लकी शर्मा है हमारे टीममेट और वो खाने वाले हैं पाव भाजी। हमारे टीम पाव भाजी नो, वो खाने वाले हैं पानी पूरी हमारे टीम से। दिस इज लकी शर्मा। लकी शर्मा हेलो ब्रदर, तुम्हारा कंपटीशन शिरो जी है। मेरी टीम में नहीं हो तो तुमको हार जाएगा। नहीं नहीं आपको जीतना है ठीक है। आपको हारना है, जितने पानी पूरी हो सके उतने एकदम। आपको सीरम करना है भाई, लगाओ इनके लिए, डालते जाओ। मेरे को लग रहा है मैं तुम तो गए, अगर ढेर में बता दूंगा तुम गए। भयंकर ढेर है, उधर होगा ढेर, उधर होगा, उधर ढेर होगा। तो लकी शर्मा तुम खा के आए हो कुछ या खाली पेट हो? रेडी 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 लेट्स गो। ओ भाई कॉन्फिडेंस दे दिया है बे, थाम्बा थाम्बा बोला है। आंदो 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 देखो ना उसके अंदर दो पड़े हुए, अंदर नहीं जा रहा मैं बोल रहा हूँ, देख अंदर नहीं जा रहा भाई उसके। बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है। इतना 25-25 हो गया क्या? अरे मां कसम भाई, मेरे से 20 से ज्यादा नहीं होते। शिरो जी क्या बात है, क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात। चिल रहने का ये होता है टीममेट। इधर आए लकी जी, इधर आए लकी जी, इधर आए आप, इधर आए, इधर आए। जबरदस्त खेला यार तुम, छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो तुम, एक नंबर यार। अच्छा खेला, अच्छा खेला। 25 का है, बहुत अच्छी बात है। तो देर के लिए रेडी रहो। थैंक यू सो मच शिरो जी, ओपी हो जाए यार कमेंट में। आराम से शांति से खत्म कर दिया वन साइड। और खा सकते थे ना तुम, और खा सकते थे ना तुम। एंड तक आ गया था, एंड तक आ गया था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वीडियो में कोई पानी पूरी कंपटीशन हो मुझे पता है कि किसको ढूंढना है। पूरे मुंबई में शिरो जी को ढूंढना है। तो अब तुम्हारा डेर सुनो तुम, बस उधर जाएंगे डेर करने, उधर उधर जाएंगे। इजी है, मैं कोई पब्लिक में नहीं करने बोल रहा, नॉर्मल है। तुम्हारा बैग दे दो, डेर करने जा रहे आप तो मैं पकड़ लेता हूँ आपका बैग, कोई टेंशन मत लो यार। आपको सूट करेगा हाँ, डाल दो इसमें, डाल दो आपका सामान पूरा डाल दो। हाँ बस। तो काश्मीर सीन ऐसा है, सामने बीच है हाँ। तो ये बीच पे तुमको सीधा ऐसा जाना है हाँ। थोड़े स्टेप्स तक आगे, एटलीस्ट वो बॉक्स के थोड़ा पहले हाँ। तुमको बनी हॉप करना है, पता ना कैसे करते हैं? ऐसा चलते ना लड़की लोग, ऐसा 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 चलते ना, ऐसा चलते ना, ऐसा चलते ना, ऐसा चलते जाना है और चिल्लाना है पापा की बनी, पापा की बनी। थोड़ा ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है ठीक है। थोड़ा मुझे याद आया, कोई तो बनने वाला था ना बतख मुर्गी, बन जाता था वो, रहेगा नहीं बना, मैं क्या करूँ। तो तुमको बनी हॉप करते जाना है, ऐसा थोड़ा उड़ते हुए जाना है जैसा हमें बताया, और जोर से चिल्लाना पापा की परी, पापा की परी, वहाँ तक मैं साथ में रहूँगा तुम्हारा ठीक है। प्रॉपर बनी हॉप करना है, ऐसा ऐसा चलना है, ऐसा हाथ उड़ाना है साइड में और बोलना है पापा की परी, पापा पापा की परी, 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 आई हेट स्नैक्स, पापा की परी, अब मैं लूंगी रिवेंज। घंटा मैं को चैलेंज वाले हारने नहीं वाला, इतना आसानी से नहीं हारता मैं, देख रहा हूँ कितना समझ के मैं गया हूँ। मैं जैसे गया ना उनको, मैं पूछा आप में से कोई पानी पूरी कॉम्पिटिशन दे रहा, दोनों लड़की पॉइंटेड करी ये। मैं बोला आप तो जीत गया, मैं जिस तरीके से उन्होंने ये बोला ना, मैं बोला मैं जीत गया, मजा आ गया भाई। आओ तो यार अब इतना भयंकर चैलेंज करने का, पापा की परी उड़ती हुई देख के मेरा मन कर रहा वड़ा पाव खाने का यार। तो हम लोग वड़ा पाव खाएंगे, मुंबई का बहुत फेमस है, उसके बाद सीधा मोहम्मद अली रोड पे जाएंगे, इफ्तार का भी टाइम हो रहा, पब्लिक बहुत आ जाएगी अगर ज़्यादा लेट करेंगे हम लोग। ट्राई करते आ जाओ, निकलते हैं चौपाटी से। मेरे गम के सहारे आजा, पीता पीता है।
फेमस जगह यार, कितनी भीड़ है यहाँ पे, ऐसा फील आ रहा है खाने में, जैसा लग रहा है। इससे ज्यादा भीड़ आपको नेक्स्ट जगह पे मिलेगी, लेकिन हम कहाँ है आपको पता है? कहाँ पे है? सीएसटी। सीएसटी का फुल फॉर्म बताइए। सेंट्रल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और ना क्या क्या? छत्रपति शिवाजी, छत्रपति महाराष्ट्र, सेंट्रल बोल रहा हूँ। ओके, तो ये सबसे फेमस है। इसका पुराना नाम था विक्टोरिया टर्मिनस, वो ऊपर देख रहे हो, वो उन्हें खड़े भी होने। उसका नाम था विक्टोरिया, मतलब जो पहले ब्रिटिश का टाइम था। ये इतना पुराना है? वो पुराने टाइम में विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इतना तो पता है, मुंबई में रहती है, मतलब यहाँ के ऑपोजिट बहुत ही मशहूर वड़ा पाव, आराम वड़ा पाव। इसको ये एक ही चीज पता है पूरे मुंबई में, इसके लिए अच्छे से बता रही है कि ये ऐसा है ये वैसा है। इसके पहले इसने कुछ बताया नहीं कि कौन सा क्या है। ठीक है, हाँ ये दिख रहा है कुछ है, खाते टेस्ट करते कैसा है। पहली बार ये वड़ा पाव खा रहा हूँ मैं। क्रिस्पी वे ये हुआ वड़ा पाव, असली लेजिट टेस्टी है भाई। जैसे मेरे वैसा स्नैक है, मतलब टेस्टी है। पता है मैं टिफिन लेके जाती थी और 5 जन के लिए लेके जाती थी और बाकी सब खाते थे मेरा टिफिन। और तुम नहीं खाते थे, तुम कैंटीन का खाते थे। मैं भी ऐसे था, मैं दूसरों का खाता था, खुद का टिफिन का बॉक्स किसी और को दे देता था। मेरे दोस्त की एक मम्मी थी, उन क्या खाना बनाते थे यार, वो लेके आता था सांभर चावल। तेलुगु फ्रेंड था मेरा, हैदराबाद में जितने लोग रहते हैं उन लोगों को मालूम रहेगा, जो तेलुगु लोग हैं ना उनका जो टेस्ट जो रहता है ना घर में, जो सांभर चावल बनता है बवाल रहता है, तो मैं पूरा स्कूल वही खाया। बट ये लेजिट सुबह से लेकर अभी तक की सबसे बेस्ट आइटम है ये है। हाँ, ऐसा हैदराबाद में नहीं मिलेगा, मैं बोलता हूँ ऐसा हैदराबाद में नहीं मिलता। हैदराबाद में वड़ा पाव ही नहीं मिलता पूरे दिन में। काश्मीर ने एक ऐसी जगह लेके आई जो वर्थ इट थी। मेन जगह अभी बाकी है, मोहम्मद अली रोड जाएंगे इसके बाद। ठीक है, पूरा मुंबई टूर लेता है ये, मुंबई टूर जाता है साउथ बॉम्बे। क्या है घंटा कुछ नहीं रहता क्या? यही तो है विक्टोरिया दिखाने लेके आते, क्या घूमने लायक क्या है? अरे बोलो, तुम रहते हो आप इतने जगह गए घूमने लायक नहीं लगे? मरीन ड्राइव अच्छा था। ठीक है, ये अच्छा है, सर्कल अच्छा है। गेटवे नहीं देखा आपने? देखा है, नहीं अच्छा लगता। ओके ओके, चार मीनार अच्छा है। तो अभी अपना खा के आए ना, यहाँ से सीधा जाएंगे मोहम्मद अली रोड पे जहाँ पे ये खाएगी और मैं देखूंगा। निकलते हैं यहाँ से। गाइस हम लोग आ गए मोहम्मद अली रोड पे, ये अपना मिनारा मस्जिद यारो। यहाँ पे आते ही यहाँ पे रोशनी देख के, यहाँ पे जो चमक देख के आ रहा, अलग ही मज़ा आ रहा है। हैदराबाद की याद आ गई, मैं मेरे दोस्तों के साथ इफ्तार करने जाता था बहुत रात में। रात में हैदराबाद में भी ऐसे लगते हैं यार, खाने पीने के स्टॉल लगते, लोग अपना अपना इफ्तार दबा के करते, लोग साथ में करते, तो पुराने दिन याद आ रहे। पब्लिक देखो यार भाई, तुम कितनी पब्लिक है रे भाई, दबा के पब्लिक है। आओ देखेंगे अपने लायक कुछ मिलेंगे आगे यहाँ पे खाने के लिए। अपन वेज है यार, नॉन वेज तो तू खाएंगे, आकाश भी खाएंगे, मज़े करेंगे, बट अपन देखते हैं। भाई हमारे को मिले, हमारे सब्सक्राइबर है, क्या खा सकते हैं अपन यहाँ पे भाई? यहाँ पे ना जूस अच्छा मिलता है भाई, कितनी भीड़ है यार, माँ की गिरगिरी, मजा आ रहा है देख के। शर्मा अच्छा रहता है, मैं वेज हूँ पता है ना तुमको। मेरे लिए कुछ मिलेगा मीठा वीठा जबरदस्त एकदम? मीठा मिलेगा ना? क्या मिलेगा? वो कोकोनट वोकोनट में देते ना कुछ भयंकर, क्या देते? आगे था ना वो कोकोनट वाला, आगे हो गया भाई इफ्तार, माशाल्लाह एक नंबर यार हो गया तुम्हारा। क्या जिम विम को जा रहे दिख रहा, देखा था शोल्डर वाला। शुक्रिया भाई, यहाँ पे कुछ खा सकता हूँ? तुम्हारा कौन सा रगड़ा है? रगड़ा रगड़ा मियां बीवी का झगड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों एहसान है। रोल आया रोल आया, चलो रोल आया रोल आया रोल आया रोल आया। क्या खाऊं? हलीम खाइए। हलीम खाऊं? वेज हलीम मिलता है, मैं वेजिटेरियन हूं जी।
वेज नहीं मिलेगा, वेज नहीं। तो यारो मैं तो वेज हूँ, तो मैं पूरा लाइन में छान मारा यारो। डेजर्ट एक चीज़ है जो मैं यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ, बाकी सब नॉन वेज वालों के लिए सब ज़बरदस्त आइटम है यारो। और फुल क्राउड है, दबा के गर्मी है, तो अंदर ज़रा ठंडा गया ना तो अच्छा लगता है। ये कोकोनट का डेजर्ट बहुत फेमस है यारो। मैं लास्ट टाइम मैं मामा के ब्लॉग में देखा था, वो लोग इधर आके कुछ कोकोनट का कुछ खा के गए थे, क्रीम एंड ऑल का। तो मैं भी ट्राई करने वाला हूँ, देखते कैसा रहता। आ जाओ। तो यारो मैं मैंगो का लिया था यारो, तो मैंगो अपना फेवरेट है। भाई बोले मैंगो का बवाल आइटम, खाओ ना। वाह 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 वाह, क्या तो आइटम है यारो। कोकोनट क्रीम विद आइसक्रीम, एक नंबर यारो। मस्त है ना, बवाल आइटम है, पकड़ता हूँ खाओ। बवाल आइटम है, बवाल आइटम। सो दैट्स इट गाइस, हम लोगों ने पूरा दिन एक्सप्लोर करा यारो मुंबई। काश दीदी हमारी जो हमारे लेके गई थी। पाव भाजी से चालू किए, चाट पे वड़ा पाव खाए, फिर सीधा मोहम्मद अली रोड पे आ रहा हूँ। मैं तो देख रहा था चिकन की डंडियाँ, बट बाद में मैंने स्वीट खाया यारो। थैंक यू सो मच काश दीदी, आपने हमारी हेल्प करी। क्या क्या बोलोगे मेरे हेल्प के बारे में? नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट सेक्शन में स्पैम मार दे हमारी पापा की परी जो बनी थी आज। तो आप पापा की परी स्पैम मारे या काश दीदी ओपी, जो मारना है मारो। और पसंद आया ये एक्सप्लोरिंग वाला जो अपना मुंबई जो एक्सप्लोर करना चाह रहा था मैं बहुत टाइम से, छोटू सा पार्ट है। और क्या क्या एक्सप्लोर करना है आप लोग कमेंट करके बताओ, क्या क्या ट्राई करना है फूड में, या कोई जगह जो पर्टिकुलर प्लेस आप लोग जाते हैं कि मैं जाके एक्सप्लोर करूं। तो बेसिकली वीडियो समझ लो, सीरीज समझ लो, ऐसे एक्सप्लोर करते रहेंगे मुंबई को। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया और कौन सा फेवरेट पार्ट था कमेंट करके बताओ। मेरे को पता है कौन सा फेवरेट है, बोलने की जरूरत नहीं है, बट वो टैग करके सब्सक्राइब मारो यार, चैनल को लाइक मार दो वीडियो को। मिलेंगे अगली वीडियो में। पीस आउट बोलो। पीस आउट, पीस आउट, पीस आउट।